नमस्कार दोस्तों, जेआर वी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट में मतलब टेबल पे कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, देखेंगे। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, गोल टेबल आता है, चारों तरफ बैठ सकते हैं, कुछ इस रीजन में भी बैठ सकते हैं, इधर 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 ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैठते हैं। अब आपको बताना है कि क्या सीता के पीछे गीता, गीता के पीछे राम, राम के पीछे श्याम, श्याम के पीछे मोहन, मोहन के पीछे सोहन, सोहन के पीछे रोहन। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो क्या आप इसमें किसी छोर को लेकर चलोगे? नहीं ना, क्योंकि अगर हम किसी पंक्ति में बिठाते हैं, किसी व्यक्ति को किसी रो में बिठाते हैं, किसी को पंक्ति में बिठाते हैं, तो यहाँ यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस कोने पर कौन बैठा और इस कोने पर कौन बैठा। अगर कोई व्यक्ति इधर और इधर बैठा है तो रो से तो हमेशा इसमें पंक्ति में बिठा कर हम ये देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर बैठा है और किस हिसाब से, किस सिक्वेंस से, किस सीरीज से ये लोग बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन भाई, अगर आपके पास एक गोल है, गोल में कैसे आप छोर का पता लगाओगे? एक छोर तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देख के चलना पड़ता है दोस्तों? हमें देख के चलना पड़ता है एक एक छोर। इसमें कोई भी छोर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन ही बताएगा कि कौन सा इंसान कहाँ पर बैठा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें क्वेश्चन को समझना, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को समझेंगे। पढ़ना इसको कोई बड़ी बात नहीं है, जरा इजी सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको समझना बहुत बड़ी बात है। रीजनिंग में सिर्फ समझ होनी चाहिए, रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रीजनिंग में समझदारी ही काम आती है। ठीक है, सबसे पहले हम देख, ये जैसे टेबल है, ठीक है, किसी वफर में गए आप, किसी वफर में जाते हो, कहीं पर खाना खाने जाते हो, तो ये टेबल पर बैठते हो। ठीक है, ये टेबल पर आप क्या करते हो? मेरा गोला थोड़ा सा टेला, तो आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि नहीं, मैं तो यहां पर बैठूंगा। ठीक है, अब आपका भाई है या फिर कोई फ्रेंड है, वो बोलेगा नहीं, मुझे तो यहां पर बैठा है, बैठना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा मुझे यहां पर बैठना है, अब कोई बोलेगा मुझे यहां पर बैठना है, तो आप पता कैसे लगाओगे इन चारों में कि किसको कहाँ बिठाना है? ठीक है, सबसे पहले आपको सबसे पहले ये दिक्कत बन जाती है इसी क्वेश्चन में कि किसको कहाँ बिठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना ये आपका केंद्र है। ठीक है, अब खाना तो यहीं पे रखना है ना, थालियां तो आप यहीं पे रखोगे, और मेन जो सब्जी वगैरह रहती है आपकी, वो तो ये खाना यहाँ पर रखा रहता है। तो सब कहाँ देखते हैं? खाना की तरफ, खाना की तरफ देखते ना। हाँ, तो बस आपको याद रखना है, यहां से सबको क्या दिखाना है? खाना। ठीक है, ये रखा है खाना, और सबको यहां से क्या दिखाना है? खाना, खाना दिखाना है, और फिर यहां पर बैठाना है। क्वेश्चन कहता है जैसे कि बनाना है, ठीक है, हमने केंद्र बना लिया, बीच में खाना रखना है। याद रखना क्या करना है सबसे पहले इन क्वेश्चन में, बीच में क्या करना है? खाना रखना है। टेबल के बीच में क्या रखा रहेगा? खाना। तो खाना को तो सब देखते हैं ना, तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों? सब देखेंगे खाना को, यहां से भी देखेंगे और यहां से भी देखेंगे। जिसको जहां बिठाना बिठाना है बिठा देना। एक बात याद रखना, टेबल पे जो खाना रखा रहेगा वो टेबल के बीचों बीच रखा रहेगा, मतलब देखेंगे कहां सबके सब? खाना को देखेंगे। ठीक है, अब हम बिठाते हैं एक एक करके। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लेते हैं कि राम श्याम के पास बैठा है। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे भैया? एक एक कुर्सी। ठीक है, सबसे पहले मैंने खाना लिया, देखा, और मैं एक कुर्सी पकड़ के बैठ गया, ये लो भाई, राम को बिठा दिया। ठीक है, पहले को तो बिठाना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि राम श्याम के पास में बैठा है। राम और श्याम तो पास में बैठे हैं। ठीक है भैया, राम को भी बिठा दिया और हमने क्या कर दिया? श्याम को भी बिठा दिया। ठीक है, श्याम को भी बिठा दिया, ये राम को बिठा दिया, यहां पर ये श्याम को बिठा दिया। अब क्वेश्चन कहता है, लेकिन गीता के बाएं ओर कौन बैठा है? राम। अब गीता का बाएं ओर कहां पर आएगा? गीता का मुंह कहां पर रहेगा? अब गीता यहां पर बैठेगी अगर, तो गीता का मुंह कहां पर रहेगा? आप अपने से याद रखना, मैंने बताया था कि आपका जहां मुंह रहे आपका ये वाला दायां आएगा। अब ये वाला जब बायां आएगा तो गीता बैठी कहां पर है? तो गीता का बाएं ओर होना चाहिए। अगर गीता यहां पर बैठेगी तो ये कहां पर आ जाएगा? ये दाएं ओर आ जाएगा। याद रखना ये आपका दायां हाथ है, तो मतलब गीता
गीता आपसे विपरीत बैठी है, ठीक है, गोल टेबल पर कहां पर बैठेगी, विपरीत, और विपरीत बैठेगी तो ये उसका क्या, ये आपका बायां आएगा, ये आपका दायां आ जाएगा, उसका बायां यहां आएगा, तो राम एटलीस्ट यहां पर बैठेगा और श्याम यहां पर बैठेगा। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, गीता को हम यहां पर बैठाएंगे, ठीक है, किसको बिठाएंगे, ये थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, गीता, गीता को हम यहां पर क्यों बिठाएंगे, क्वेश्चन में दिया है कि गीता के बाएं ओर राम बैठा है। अच्छा, मैंने बोला था आपसे कि आप जहां, आपका जहां मुंह हो वहां वहां से आप देख लिया करो, तो आपका मुंह इधर है, अगर मेरा मुंह इधर है तो याद रखना, मेरा मुंह अगर इधर है तो मेरा दाया इधर, अब आप कहोगे आपका दाया तो इधर आया, मतलब गीता का दाया होना चाहिए, है ना, और आपका बाया इधर आएगा, मतलब गीता का बाया इधर आ जाएगा, तो राम को इधर बैठना चाहिए। नहीं भैया, मैंने बोला था कि आपको फेस इमेजिंग करके देखना है, आपको गीता की जगह पर बैठना है खुद को। आप अगर गीता की जगह पर बैठोगे ना तो आपका मुंह कहां पर रखना है, पहले मैंने बोला था खाना की ओर, अगर आपने खाना की ओर अपना मुंह रखा है और आप गीता की जगह पर बैठे हो तो याद रखना, मैं ये बैठा हूं और मेरे सामने ये है गीता, क्योंकि इधर ही बैठी थी, मैं ये बैठ गया, ठीक है, और एक गीता बैठ गई। अब गीता का बायां किधर आएगा, इधर, इधर मतलब इधर, इधर आएगा, तो ये कहां पर, वो कहां पर बैठा राम, तो इसके बाएं ओर बैठा, ठीक है, बैठा दिया ना हमने बाएं ओर, ये बैठ गया राम बाड़ी ओर, बाएं ओर। आगे क्वेश्चन कहता है रोहन श्याम और गीता के बीच बैठा है, तो ये श्याम बैठा है और एक गीता बैठा है, गीता बैठी है सॉरी, और यहां पर इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है क्वेश्चन में कि हमें किस तरफ मुंह करके वो किस बाएं ओर बैठा है, किस दाएं ओर बैठा है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ बीच में बैठा है, तो हमने यहां पर बैठा दिया दोस्तों रोहन को, ठीक है, किसको बैठा दिया दोस्तों, रोहन को, रोहन को हमने यहां पर बैठा दिया। ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब हमने व्यवस्थित तरीके से एक जो व्यक्ति आए थे या फिर कुछ जो सभा होनी थी इनकी, इनको डिनर करना था या लंच करना था, खाना खाना था, तो हमने उनको एक व्यवस्थित टेबल पर बिठा दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए श्याम के दाएं ओर कौन बैठा है, तो आई होप आप क्या आंसर दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि श्याम के दाएं ओर कौन कौन बैठा है। लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको, इसका आंसर जरूर बताएंगे। अच्छा, ये जरूर बता देता हूं कि अगर राम बोलेगा कि इसका दाएं ओर कौन है, तो राम का मुंह इधर है, आपको इमेजिंग करना है कि अगर आप इधर बैठे हो तो दाएं ओर कौन है, गीता, और बाएं ओर कौन है, श्याम, ठीक है। अगर आप यहां पर बैठे, गीता अगर बोले कि गीता के दाएं ओर कौन बैठा है, तो दाएं ओर कौन बैठा है, रोहन, और रोहन की जगह पर बैठकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहां बैठा है, रोहन कहां बैठा है, रोहन, गीता बैठी है रोहन के बाएं ओर, ठीक है, बाएं ओर, क्योंकि आपका फेस देखना, आपका फेस देखना है आपको कि आपको, अगर आपका फेस इधर रहेगा तो आपका बाएं कहां पर आएगा, इधर आएगा ना, और दाएं कहां पर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको देखना है कि आपका जो जो श्याम बैठा है, श्याम की जगह पे आप बैठे हो, यहां पर बैठे हो, तो आपका यहां से दाया और बाया कहां आएगा, तो आपका दाया राम की तरफ आएगा और बाया श्याम की तरफ आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी है, सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो देख लेंगे, और जिस प्रकार से हमें करना है, जहां हमें बैठना है, वो व्यवस्थाएं देख लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती हैं, जिस जिन व्यवस्थाओं में हम बैठ सकते हैं, जहां हमें कंफ्यूजिंग होती है बिठाने में, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या केंद्रित करना है, वो करना है कि बिठाना कैसे है। अगर हमने एक बार किसी को बिठा लिया तो वो उठने वाला नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व होकर ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर द वॉच, थैंक यू।